गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यार अभी तो सुबह सुबह मैं जा रही हूँ मम्मी को स्टेशन ड्रॉप करने। मम्मी दून जा रही है, आज थोड़ा काम है तो मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ नींद से जाके। मम्मी कब आओगी? कल बोल रही है आएगी परसों, पर कोई बात नहीं। तो अभी हम मम्मी को छोड़ के आते हैं स्टेशन पे, गाड़ी में बैठा के आती हूँ एंड देन मिलते हैं। ठीक है मम्मी, बाय बोलो। बाय बाय। अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, मतलब मम्मी ने सब्जी बना के जा रखी थी, फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ और बस फिर खाते हैं दादाजी दादी और मैं मिल के। फिर लंच तो मुझे खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। किचन में आ गई हूँ अब मैं और प्याज काट रही हूँ क्योंकि मैं दाल छौंक रही हूँ, क्योंकि उबाल दी थी मैंने। और 2 बजे मेरा लंच का टाइम है तो 1:20 हो गया है यार, मुझे लगा 1:10 हो रहा है। तो बनाती हूँ और सब्जी काटने के लिए मैंने दादी भी दे रखी है, मैंने कहा आप काटो सब्जी, तो दादी सब्जी काट रही है और मैं यहाँ पे दाल बना लेती हूँ राइस और दादी के लिए रोटियाँ। तो मैं पहले देखती हूँ कि दादी ने कितनी सब्जी काटी है, काट भी रही है कि फ़ोन में लगी है, फ़ोन में बातें कर रही थी तो देखती हूँ काट भी रही है कि फोन भी है। दादी को मैंने सब्जी काटने के लिए दे रखा है। दादी मजा आ सब्जी काट के। सब्जी काट रही, क्या करने तो काटना ही पड़ेगा। खाना है तो काटना पड़ेगा। मेरे राजपाट में आपको सब्जी काटना पड़ रहा है। याद रखिए चीज दाल मन रही आपकी फेवरेट कौन पहचान जाओ है? समझ जाओ दाल छोंक रही हूँ यार मैं। अब थोड़ा मिर्च तेज रखती हूँ मैं, लेकिन कम रखूँगी क्योंकि मेरा दीदी है तो मुझे उनके कायदे के हिसाब से रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको कोई दिक्कत हो, इसलिए साथ में पानी भी पी रही हूँ क्योंकि मैं प्यास लगी। देखती हूँ मैं कैसा बनता है, फिर दादी से पूछूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा दादी निकालती है खाने में नूड्स कि ऐसा है वैसा है, तो दादी बताएगी कि कैसा है। अब मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी क्योंकि दाल बन गया, चावल अभी चढ़ाऊँगी थोड़ी देर में, मतलब जब रोटियाँ बन जाएंगी। और कोदे की रोटी बना रही हूँ मैं क्योंकि मेरे दादाजी कोदे की रोटी ही खाते हैं, मतलब दो गेहूँ खाते हैं एक कोदा खाते हैं, तो मुझे वैसे ही रोटी बनानी नहीं आती है ऊपर से कोदे की, बट आई ट्राई। मैं पिछले बार मैंने बना दी थी वैसे, जब मम्मी गई थी तो मैंने बना दी थी, तो मैं सारी बना ही दूँगी। तो रेडी है और दादाजी को मैंने दे दिया है और अब मैं खुद खा रही हूँ यार, खुद खाती हूँ। अब बहुत टाइम हो गया, 3 बजने वाले, मतलब 2:30 बज रहे हैं, तो आधे घंटे में तब तक बजे जाएंगे। अब मैं खुद खाती हूँ, वीडियो देखती हूँ फ़ोन में, अकेला अकेला अजीब लग रहा है, तो बस खाती हूँ और फिर बर्तन भी धुल लें, फिर रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, तो मिलती हूँ फिर बाद में। कैसे लगा आपको खाना? बहुत बढ़िया, शानदार। शानदार शानदार। अच्छा अब सो रही हो है दादाजी? तीन रोटी। अच्छा दाल बहुत सुंदर थी, बेस्ट वन। थैंक यू दादाजी। दिन में यार लंच किया, उसके बाद बर्तन के पास हो गई थी, फिर अभी उठ के दादाजी को कॉफ़ी दे दी मैंने और दादी भी चाय पी के निकल गई अपनी वॉक के लिए। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि क्लासेस जाना है इसके बाद और फिर मुझे मार्केट भी जाना है, काम है थोड़ा, तो वही टाइम नहीं मिलेगा आपको घर आके, तो सोच रही हूँ अभी ही करके चले जाऊँ, मतलब आटा वाटा लगा के चली जाऊँ अभी, तो घर आके थोड़ा ईजी हो जाएगा और जल्दी भी जाएगा क्योंकि थोड़ा डिनर जल्दी होता है हमारा, 8:30 तक हो जाता है क्योंकि दादाजी को टाइम पे चाहिए होता है, तो दादाजी डिसिप्लिन वाले हैं तो दादाजी के साथ हमारा भी डिसिप्लिन चलता है। तो बस आटा भी हो गया मेरा ऑलमोस्ट और सब्ज़ी भी हो जाएगी, तो फिर काम फटाफट हो जाएगा आपको।
अभी का सीन ये है कि काम वाम तो मेरा सारा हो गया था और अभी मैं अपने घर के बगल वाले प्लॉट में आ रखी हूँ। वो मेरा घर है वैदक, तो जस्ट बगल में ही हमारे, और ये पीछे बगीचा भी कर रखा है, मतलब आधा मेरी मम्मी ने कर रखा है और आधा जिनका प्लॉट है उन्होंने कर रखा है। तो अभी ये है कि प्रशांत आ रहा है, निर्वाण का सीन ये है कि उसकी गाड़ी रखनी है हमें इधर वाली पार्किंग में। उसके घर की पार्किंग है जो, वो पार्किंग वाले बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ रहती हैं लोगों की पार्किंग अंदर भी रहती हैं, अंदर तो उनकी रहती है जिनका ये प्लॉट है, बट हमारे यहाँ पे नहीं है। तो फिर पापा ने कहा कि रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ जब तुम इतना एक्स्ट्रा दे रहे हो तो यहीं रख लो बेटा। तो वो आ रहा है फिर अभी लेके, उसने मुझे बोला कि तू गेट खोलना, मैं आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि चढ़ाई है ना, तो तू गेट खोल के रखना। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, जब तक आएगा नहीं तब तक गेट नहीं खोलूँगी, तब तक घूम ही लेती हूँ। प्रशांत आ गया है, आई थिंक सो। हॉर्न देख रहे हो कि नहीं, गेट खोल, एंड आई थिंक इज है, मुझे पता था आ गया। गाने उसने ऐसे बजा रखे हैं जैसे पता नहीं क्या होगा। तो यार यहाँ ला चुका हूँ मैं गाड़ी अपनी, ये है यहाँ पे गाड़ियाँ, और ये अंबिका है। हाय अंबिका। तो ये गेट है बाहर जाने का, यहाँ पे से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो ये दिखा देता हूँ मैं। अंकल जी आ गए अंदर, कोई अंकल आ रहे हैं अंदर, गाड़ी वाले, इनके भी गाड़ी होगी यहाँ पे कोई, मे बी इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे वैसे मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ पार्क सामने पे, बट यहाँ पे सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे अंबिका का घर भी है, तो वो देखती रहेगी गाड़ी, अब से यहीं रहेगी। से आप, मैं घर आ गई हूँ एंड अब डिनर करेंगे। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।